हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स के बारे में। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास तीन तरह के लूप हैं। नंबर वन वाइल, नंबर टू डू वाइल। ऐसा नंबरिंग जैसा कुछ नहीं है, ये मैं बस अपने लिए नंबर डाल दे रहा हूँ, क्योंकि कौन सा किसके बाद में डिस्कस करने वाला हूँ। नंबर थ्री फॉर लूप। जनरली वाइल और फॉर का ज़्यादा यूज़ होता है, डू वाइल बहुत कम यूज़ करते हैं लोग। तो इस वीडियो में हम वाइल लूप को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं वाइल लूप क्या कहता है और कैसे चलता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूँ, वाइल लूप के डेफिनेशन मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है, क्योंकि उसका बिहेवियर ये ऐसा है। वाइल लूप के अंदर हम तभी एंटर कर पाते हैं जब उसकी कंडीशन ट्रू होती है। पहले कंडीशन चेक होती है तभी एंट्री मिलती है, तो इसीलिए इसको कई बार प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, रन्स अंटिल कंडीशन इज ट्रू। अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स में हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन होता है, मतलब वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हम करते हैं, इनिशियलाइजेशन करेंगे। उसके बाद कीवर्ड यूज करेंगे वाइल। इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन देते हैं कि मेरा लूप कब रुकेगा। एग्जिट कंडीशन यहाँ पे लिखी जाती है। और इसके नीचे हमारा बॉडी होता है वाइल का, यहाँ पे हमारे सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, वो स्टेटमेंट्स जिनको रिपीट करना है। देन वेरिएबल का मॉडिफिकेशन, अपडेट भी बोल सकते हो आप, और फिर एक क्लोज पैरेंथेसिस। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, तीसरी चीज़ मॉडिफिकेशन। यही तीन बेसिक चीज़ होते हैं लूप्स में। अगर मैं इसके फ्लो चार्ट ही बात करूँ कि ये चल कैसे रहा होगा, वाइल लूप काम कैसे कर रहा होगा, प्रोग्राम अगर हमारा स्टार्ट होगा, हम इनिशियलाइज करेंगे तो हमारा वाइल लूप स्टार्ट होगा, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करने के बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम कंडीशन को टेस्ट करेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो प्रोग्राम इज गोइंग टू एंड, नॉट प्रोग्राम, हमारा वाइल लूप, हमारा वाइल लूप एंड हो जाएगा, प्रोग्राम तो चलता रहेगा। कंडीशन फॉल्स मतलब वाइल लूप खत्म, वाइल लूप का जो भी काम था वो खत्म हो गया। बट अगर कंडीशन ट्रू है तो वाइल लूप अपना आगे काम करेगा, वो बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो उनको एग्जीक्यूट करेगा। ये तब होगा जब कंडीशन ट्रू है। उसके बाद इसका मॉडिफिकेशन होगा वेरिएबल का, वेरिएबल का मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर से कंडीशन चेक होती है, फिर से हमको कंडीशन को टेस्ट करना है, क्या अभी भी कंडीशन ट्रू है। अगर अभी भी ट्रू है तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी, लूप से बाहर, ध्यान रखना प्रोग्राम से बाहर नहीं होते हैं, लूप से बाहर होते हैं। तो ये था इसका फ्लो चार्ट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं प्रोग्राम करके। तो मैंने एक फाइल बना रखी है, C++ फाइल, जिसका एक्सटेंशन है .cpp। वन टू टेन प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हम वेरिएबल ले लेंगे। अगर हमारे पास एक वेरिएबल है सपोज इंट ए इज इक्वल टू वन, इसको मैं 10 बार प्रिंट करा सकता हूँ इजीली, सी आउट ए।
और इसको मैं इंक्रीमेंट करूँगा और प्रिंट करा दूँगा 10 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैं इसको रन करूँ, एग्जीक्यूट करूँ, तो जी प्लस प्लस, सी फाइल्स के लिए जी सी सी, सी प्लस प्लस फाइल के लिए जी प्लस प्लस, तो मुझे ए डॉट आउट नाम की एक फ़ाइल मिलेगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल है ए डॉट आउट, यहाँ से मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने देखा कि मुझे नंबर प्रिंट करने थे 1 से 10, जिसके लिए मैंने ये कोड लिखा। 10 बार उस लाइन को लिखना पड़ा। क्या कुछ ऐसा था कि ये सब ना करना पड़ता? बिल्कुल वाइल लूप है ना हमारे पास। तो ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया। इसके बाद कीवर्ड यूज़ करेंगे वाइल, और उसके अंदर कंडीशन दे देंगे वाइल ए इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, जब तक ए की वैल्यू लेस है या उससे बराबर है, तब तक क्या करना है, ए को सी आउट करना है। ठीक है, ए को सी आउट कर दिया, और फिर क्या करना है, उसको इंक्रीमेंट कर दो। बस एक ही बार हमने लिखा स्टेटमेंट को और उसको वाइल लूप में डाल दिया। अब ये 10 बार चला लो, 100 बार चला लो, आपकी मर्जी है। इसको रन करके देखते हैं, सेम आउटपुट। ये तो था बेसिक वाइल लूप काम कैसे कर रहा है। सबसे पहले ए की वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे आके उसको चेक करते हैं क्या कंडीशन ट्रू है। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो नीचे जाओ, इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो, ए प्रिंट करो, ए की वैल्यू को 1 से बढ़ाओ। ए प्लस प्लस मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, तो ये 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर एंड सो ऑन। जब ये 11 होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी और हम बाहर आ जाते हैं। वाइल लूप के अंदर ना ये जो कंडीशन है, यहाँ पे 1 का मतलब ट्रू होता है, या आप यूं कह सकते हो ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ कंडीशन की जगह अगर मैं 1 लिख दूँ तो ये हमेशा ट्रू ही माना जाएगा, और मैं अगर 0 लिख दूँ तो ये हमेशा फॉल्स माना जाएगा। मतलब ये मैंने क्यों बताया, सपोज अगर मैंने यहाँ 1 लिख दिया वाइल के अंदर, अब ये इनफाइनाइट लूप बन गया। क्यों? क्योंकि 1 तो कांस्टेंट नंबर है, चेंज तो हो नहीं रहा है, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, नंबर हमेशा प्रिंट होता रहेगा, और ये चला जाएगा इनफाइनाइट लूप में, फंस जाएगा। अगर मैं 0 लिख दूं, कंडीशन फॉल्स, तो वाइल लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। ये 2 बातें थी। तीसरी बात थी कि अगर मैं यहाँ ए लिख दूँ, तो अगर मैंने यहाँ ए लिख दिया तो भी कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये इनफाइनाइट लूप जा रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पे कंडीशन हमने कुछ दिया नहीं कि कब रुकना है इसको, तो इनफाइनाइट तक जाएगा ही। बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटीजर का भी एक रेंज होता है। अगर मैं डिस्कस करूँ उसको, तो इंटीजर का साइज हमारे पास 4 bytes है, ठीक है, खैर होता हमारे पास 1 byte का, 1 byte इज इक्वल टू 8 bits। ऐसे ही शॉर्ट है हमारे पास, शॉर्ट वो 2 bytes का है, जो कि 16 bits जिसमें होते हैं, और हमारे पास इंटीजर है जो कि 4 bytes का है। कंपाइलर पे डिपेंड करता है, पर जनरली आपको यही मिलेगा 32 bits। तो अगर मैं कैर के रेंज की बात करूं, इसका रेंज होगा -2^7 टू 2^7 -1, ये कैर का रेंज है। अगर मैं शॉर्ट के रेंज की बात करूं तो होगा -2^15 -2^15 टू 2^15 -1,
ये सॉर्ट की रेंज है। आप सोच रहे हो कि एक एक बिट का क्या हो रहा है, साइंड बिट है वो। अगर ये, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये सब साइंड हैं, अगर मैं यहाँ, अगर मुझे फोर्सफुली लिखना होगा अनसाइंड, तो मुझे यहाँ कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, अनसाइंड, अनसाइंड कैर और अनसाइंड सॉर्ट और अनसाइंड इंट डबल फ्लोट वट एवर। मैंने नहीं यूज़ किया अनसाइंड कीवर्ड, इसका मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट साइंड है, एक बिट वहाँ साइंड बिट के लिए कंज्यूम कर रहा है। ऐसे ही हमारे पास इंटीजर का जो रेंज होगा, -2^31 to 2^31-1, ये है। सो ये जो रेंज है ना, ये मज़ेदार चीज़ है, ये ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में होता है। अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 and then so on till जो मैक्सिमम नंबर है। अगर ये इंटीजर है तो इसका मैक्सिमम नंबर कितना है, 2^31-1। आप कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, 2^31-1 तक जाएगा। इसके बाद ना जो नेक्स्ट नंबर होगा वो ये होगा, नेगेटिव वाले शुरू हो जाएंगे। तो नेगेटिव वाला सबसे पहले कौन सा, -2^31, देन उससे कम होते होते यहाँ पे -3, -2, -1 and 0, इस तरीके से। तो ये साइक्लिक ऑर्डर में होता है। तो जब, अगर मैंने यहाँ पे इनिशलाइज कर रखा है ना इंट, एक इंटीजर वेरिएबल आई या ए, ए इज इक्वल टू 1, और मैं वाइल लूप में इसको डाल दूँ, सिर्फ ए लिख दूँ और यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दूँ, ऐसा नहीं है कि वो इनफाइनाइट लूप चलेगा, क्योंकि ए 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4 होते 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 पॉजिटिव, मैक्स पॉजिटिव तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू होते होते -1, और एक टाइम आएगा कि जब वो 0 पे आके हिट करेगा और वहीं पे ये प्रोग्राम रुक जाएगा। तो ये इनफाइनाइट नहीं है, आप इसको ट्राई करना। मैं आपको शॉर्ट का दिखा देता हूँ, ये वो इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। मैं इंटीजर की जगह शॉर्ट दिखा देता हूँ, 2 बिट है, जल्दी आउटपुट आ जाएगा। 4 बिट का पता नहीं कब आएगा। शॉर्ट ए इक्वल टू 1 और ए डाल दिया और इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा समझने के लिए एक बार न्यू लाइन तो नहीं दूंगा, एक बार एक स्पेस दे दे रहा हूँ। ये है आउटपुट, आप देख रहे होंगे ये -1 पे आके रुका हुआ है। समझ गए होंगे कि -1 के बाद ये -6, 5, 4, 3, 2, -1 के बाद 0, जैसे 0 आया होगा कंडीशन रुक गई होगी। अब इसको अगर मैं थोड़ा ऊपर करके देखूं, ये शुरू कहाँ से हुआ था, ये 1 से स्टार्ट हुआ ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and till, और ये गया कहाँ तक, मैक्स नंबर तक, शॉर्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 32767। आप कैलकुलेट करने हैं 2^15, 2^15-1 आप निकाल लेना, आपको ये मिलेगा। और ये है वो मिनिमम वैल्यू शॉर्ट की, छोटी वैल्यू। अब यहाँ से शुरू करके वो -1 और 0 तक गया होगा। ओके, आप इंटीजर ट्राई कर लेना। एक वेरिएबल लिया, एक ही वैल्यू, उसकी वैल्यू है 10, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्लस प्लस ए, क्या आउटपुट आना चाहिए। यह है प्री इंक्रीमेंट, इसका मतलब होता है, चलो इसको समझा ही देता हूँ एक शॉर्ट में, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर मैं ए प्लस प्लस लिखता हूँ, दिस इज पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब पहले वैल्यू यूज करो, फर्स्ट यूज देन इंक्रीमेंट। और प्लस प्लस ए का मतलब है फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज। यहाँ पे सपोज अगर ए की वैल्यू 1 है ना, तो जहाँ, जब भी ए प्लस प्लस जहाँ लिखा होगा वहाँ पहले 1 कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं। और जहाँ प्लस प्लस ए लिखा होता है वहाँ पहले इंक्रीमेंट कर लेते हैं फिर यूज़ करते हैं, तो यहाँ 2 यूज़ होगा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जैसा है कुछ ए प्लस प्लस।
और ये कि पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो ए सो प्लस प्लस ए का मतलब होगा पहले इंक्रीमेंट करो फिर यूज़ करो। तो अगर मैं पहले इंक्रीमेंट कर दूंगा तो ये बन जाएगी 11। 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, आप चला के देख लो, नथिंग, कोई आउटपुट नहीं। और अगर मैं यहाँ ए प्लस प्लस कर दूँ तो पहले ही वैल्यू यूज़ होगी फिर वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एक बार तो एटलीस्ट चलेगा ही, एक बार चला और 11 आया, ऑब्वियसली 11 ही आएगा क्योंकि ए की वैल्यू जब यूज़ हुई तो 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, यूज़ होके वो इंक्रीमेंट हो गई। तो जब इंक्रीमेंट हुई तो हमने जब सी आउट किया तो 11 प्रिंट हुआ। लास्ट व्हाइल लूप में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम मल्टीपल कंडीशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं व्हाइल लूप के अंदर। सपोज मैं ये लिखना चाह रहा था कि ए की वैल्यू लेस देन 10 हो और साथ ही साथ अगर एक और वेरिएबल होता मेरे पास तो मैं यहाँ लिख सकता था कि बी की वैल्यू बी इज लेस देन 5 और मैं यहाँ बी यूज़ कर ले रहा हूँ, बी इज इक्वल टू सपोज 1 कर ले रहा हूँ, ए भी 1 बी भी 1। अभी क्या होने वाला है, ए की वैल्यू 1 है बी की वैल्यू 1 है, दोनों कंडीशन, यहाँ मैंने लॉजिकल एंड लगा रखा है, जब दो कंडीशंस अगर हमें एक साथ देनी है व्हाइल लूप के अंदर तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, एंड या और दोनों में से कोई भी जैसा हमें रिक्वायरमेंट है। एंड का मतलब है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही व्हाइल लूप चलेगा, एक भी फॉल्स हो गई ना तो व्हाइल लूप नहीं चलने वाला। देखते हैं क्या प्रिंट होगा, वीडियो पॉज करके आप आउटपुट लिख सकते हो कि क्या आउटपुट आने वाला है। एरर, बी के बाद टर्मिनेटर नहीं है। व्हाइल इनफिनाइट लूप में चल रहा है यार, बताओ तो एटलीस्ट, मॉडिफाई कौन करेगा इनको, ए प्लस प्लस करो बी प्लस प्लस करो तब ना बात बनेगी। 1 2 3 4 प्रिंट हुआ क्यों, क्योंकि ए तो 4 तक ही गया पर बी कंडीशन फॉल्स हो गई, बी वाली, बी बोल रहा है 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। अगर यहाँ और लगा होता ना तो दो और का मतलब होता दोनों में से कोई भी, कोई एक भी अगर ट्रू है ना तो चल जाएगा। तो ये पूरा प्रिंट करना चाहिए, 10 तक प्रिंट कर रहा है क्योंकि दोनों में से कोई एक ट्रू, एक तो ट्रू है ही, जब दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे तभी ये एग्जिट होता है। लास्ट क्वेश्चन, जाने से पहले मैं इसको आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, कॉमा लगा दिया, दो स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैं कर सकता हूँ ए प्लस प्लस कॉमा बी प्लस प्लस, बिल्कुल कॉमा से सेपरेट कर सकता हूँ, तो मैंने वहाँ कॉमा से सेपरेट कर दिया। क्या ये सही है, अगर सही है तो इसका आउटपुट क्या है कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में इसका आउटपुट पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर डू व्हाइल और फॉर की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।